जिस 24 अप्रैल को पूरे देश के क्रिकेट फैंस किसी राष्ट्रीय पर्व की तरह मना रहे थे, उसी 24 अप्रैल को मुंबई की टीम ने शर्मनाक प्रदर्शन किया। सचिन तेंदुलकर ने जो टीम के साथ आईपीएल की शुरुआत से जुड़े हुए हैं, उनका मंगलवार को जन्मदिन था। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। टीम इंडिया का शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटर हो जिसने मास्टर ब्लास्टर को उनके जन्मदिन पर बधाई न दी हो। बस उनकी टीम उन्हें सही तरीके से बधाई देने से चूक गई। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उसे 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस की यह सीजन की छठे मैच में पांचवी हार है, जिसकी वजह से मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में सातवें नंबर पर है। मुंबई के फैंस के लिए सबसे अफसोसजनक बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के सामने महज 119 रनों का आसान लक्ष्य रखा था। 20 ओवर के मैच में 119 के लक्ष्य का मतलब 6 से भी कम की औसत से रन बनाना था, लेकिन मुंबई के बल्लेबाज एक के बाद एक गलती करते चले गए और महज 18.5 ओवर में 87 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। हैदराबाद के लिए यह सीजन 6 मैचों में 4th जीत है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।